नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है केरल से। केरल के कन्नूर जिले में रबड़ के बागान में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए गड्ढे खोद रहे मनरेगा मजदूरों के हाथ बड़ा खजाना लगा है। जमीन को कुछ ही फीट खोदने पर मजदूरों को पता चला कि जमीन के नीचे कुछ गड़ा हुआ है। मिट्टी हटाने पर भी स्पष्ट नजर नहीं आया कि क्या है। इससे मजदूर एक बार तो डर गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि यह बम है, लेकिन कुछ देर बाद हिम्मत करके जब उन्होंने उसे बाहर निकालकर देखा तो वह मिट्टी का मटका था। जब उन्होंने उसे तोड़ा तो उसमें सोने चांदी के आभूषण और चांदी के सिक्के निकले ही। दूसरे दिन जब फिर से उस स्थान की खुदाई की गई तो फिर से दोस्तों सोने चांदी के सिक्के मिले हैं, जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो गई है और दोस्तों लोग अब उस खेत को खोदने लगे हैं। पुरातत्व विभाग इस बात की जांच करने की अब योजना बना रहा है कि इस क्षेत्र में और भी खजाना है या नहीं। वे खोजी गई वस्तुओं की प्रमाणिकता की पुष्टि करने में लगे हैं। एक अधिकारी ने कहा कि जिस स्थान से प्राचीन वस्तुएं बरामद हुई उसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है, इसलिए ये वस्तुएं किसी निजी संग्रह का हिस्सा हो सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि हम जांच के बाद ही सही निष्कर्ष निकाल पाएंगे, लेकिन इस समय ये चर्चा पूरे इलाके के अंदर हो रही है। लोग दोस्तों उस इलाके को अब खोदने लगे हैं और वहां पर खुदाई हो रही है, लेकिन अब दोस्तों अधिकारी वहां अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और खुदाई पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं दोस्तों रबड़ के बागान में वर्षा जल संरक्षण के लिए शुक्रवार को मनरेगा मजदूरों को एक समूह दोस्तों यहां खुदाई कर रहा था, तभी जमीन के नीचे एक मिट्टी का बर्तन उन्हें मिला। पहले तो श्रमिकों ने बर्तन को बम समझ लिया, लेकिन बाद में जब हिम्मत करके इसकी जांच की तो पता चला कि यह मिट्टी का बर्तन है। जब इसे फोड़ा गया तो इसमें से 17 मोती की माला, 13 सोने के पदक, 4 पारंपरिक आभूषण कुशमाला पदक, 1 जोड़ी बालियां चांदी के सिक्के मिले हैं। एक श्रमिक असिता ने बताया है कि सोने और चांदी की वस्तुओं को देखकर हम सभी हैरान हो गए थे। फिर हमने पंचायत अध्यक्ष को सूचित किया। पंचायत अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। तली परम्बा पुलिस ने सामान को कब्जे में लेकर तली परम्बा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया है और अब दोस्तों पूरे इलाके को सील कर दिया है। वहां दोस्तों अब अधिकारी पूरे दोस्तों इलाके की छानबीन कर रहे हैं कि क्या दोस्तों अंदर और भी दोस्तों इसके अंदर आभूषण हैं, सोने चांदी हैं। बता दें कि ये खबर इस समय पूरे देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है केरल से, जहां भारी मात्रा में आभूषण दोस्तों बरामद हो रहे हैं। फिलहाल दोस्तों पूरे जो इलाका है वहां पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया है। पुरातत्व विभाग अब दोस्तों पूरे इलाके को छानबीन कर रहा है। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।